फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ नेस्ले के लैक्टोजन फॉर्मूला मिल्क की। ये मिल्क बच्चों को दिया जाता है अप टू 6 मंथ तक के। इसमें नंबर 1 है अप टू 6 मंथ्स का, नंबर 2 जो होता है वो 12 मंथ्स के बेबी के लिए होता है, 12 मंथ्स तक के बेबी के लिए। नंबर 3 इस तरह से इस पे नंबर डाले होते हैं जो बच्चों को दिया जाता है उस हिसाब से, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ तक के बेबी को ये मिल्क दिया जाता है। ये मिल्क 2 ही रीजन में बच्चों को दिया जाता है, अगर मदर अपने बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं करा पा रही हैं, या तो कई बार आफ्टर डिलीवरी ही बच्चों को ये मिल्क डॉक्टर रेकमेंड कर देते हैं। अगर बच्चे को माँ बिल्कुल भी दूध नहीं पिला पा रही तो ये दूध बच्चे को हम दे सकते हैं। वैसे तो हमेशा यही कहा जाता है मदर फीड ही बेस्ट है। यहाँ पर भी देखिए आप लिखा हुआ मेंशन करा हुआ है माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, पर इन 2 रीजन की वजह से बच्चों को हम ये दूध दे सकते हैं और बच्चे को ये दूध अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है और बच्चे के लिए काफी ज्यादा ये फायदेमंद दूध है, क्योंकि बच्चे को हल्का दूध दिया जाता है और ये काफी हल्का दूध है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका फीडिंग टेबल दे रखा है आहार तालिका की, बच्चे को कितना कितना और कैसे मिल्क देना है। बच्चे को, छोटे बच्चे को आप देखेंगे कि हमेशा 30 ml तक का ही मिल्क दिया जाता है, क्योंकि बच्चा इससे ज्यादा मिल्क नहीं ले सकता, तो बच्चे को हमेशा 30 ml ही हमें मिल्क देना है। उसके बाद जो है हम बच्चे को धीरे धीरे मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे जो 30 ml में है हमें 1 स्कूप डालना होता है। यहाँ पर देखिए पूरा मेंशन करा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 90 ml में 3 स्कूप जो डालना होता है ये मिल्क पाउडर, और इस मिल्क के अंदर आपको स्कूप मिल जाएगा। हम सबसे पहले बच्चे को 30 ml ही ये मिल्क तैयार करके देंगे और उसके बाद हम इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा देंगे, और इस मिल्क को हमेशा एकदम गर्म पानी में ही हम तैयार करेंगे ताकि पानी में मिल्क अच्छे से मिक्स हो सके। पानी हमेशा गर्म लेंगे, यहाँ पर हम हमेशा फिल्टर वाला बॉयल ही और इस मिल्क के अंदर जो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ, इसके अंदर से एक स्कूप निकलेगा। देखिए इस तरीके की ये पैकिंग में आएगा और आप इसको इस तरह से ओपन कर लें और देखिए इसके अंदर से आपको इस तरीके का एक स्कूप मिल जाएगा। इस स्कूप के मेजरमेंट से ही आपको दूध तैयार करना है, यानी कि अगर आप 30 ml दूध तैयार कर रहे हैं तो आपको 1 स्कूप ही डालना है। और ये देखेंगे आपकी 30 ml में ये दूध एकदम, मैंने गर्म वाटर लिया है और हम मैं इस यहाँ पे 1 स्कूप डाल रही हूँ। ये दूध बच्चे को इंस्टेंट तैयार करके देना है, ये दूध आप पहले से तैयार करके नहीं रखेंगे। देखिए अगर गर्म पानी था तो ये कितनी जल्दी दूध देखेंगे आप, इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं पड़े। अगर आपका पानी ठंडा होगा तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और बच्चा नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा उस दूध को। और इस दूध को आप कितनी देर तक रख सकते हैं, ये ज्यादा क्वेश्चन होते हैं हर किसी का। आप इस दूध को सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट तक ही बाद में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने दूध तैयार कर लिया और आपका बच्चा नहीं दूध को पी रहा, तो आप सिर्फ 15 से 20 मिनट ही इसको दूध को रखेंगे, उसके बाद आप इसको यूज नहीं करेंगे। और बच्चे के पीने से 5 से 6 मिनट पहले ही आप इस दूध को तैयार कीजिए, ताकि आप गर्म अगर दूध तैयार कर रहे हो तो उसको हल्का सा गुनगुना कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।